Hello friends, welcome to Learning Vibes by mruduraj. Dosto, aaj hum is video mein ek bahut hi interesting cheez samajhne wale hain aur wo interesting cheez hai home energy saving tips for common man. Ek aam aadmi ke liye apne ghar ki jo energy saving tips hai, apne ghar ki jo energy ko wo save karna chahta hai, wo kaise kar sakta hai, wo tip aaj hum lekar aaye hain is video mein. To bane rahiye hamare is video mein. Is video mein aapko hum batayenge ki apne ghar ka jo electricity ka jo bill hota hai, us bill ko kaise aap kam kar sakte hain 0 rupees ke investment ke saath. तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये चीज हम कर सकते हैं. You can do many things by changing your habit to save on electricity bill without investing money. दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि you can do many things. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने घर का बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस बिल को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. उस बहुत सारी चीजों में बहुत बार आपको पैसे लगाने पड़ते हैं. कोई नई चीज खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो लगा लीजिए. लेकिन आज हम आपको बताएंगे विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, 0 रुपीस को इन्वेस्ट करके आप कैसे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हो. लेकिन इसको अचीव करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है आपकी हैबिट. हमें हमारी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करने की जो हैबिट है उसको बदलना पड़ेगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा. अगर हमारी हैबिट कुछ खराब है तो अगर उस हैबिट को हम बदलेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम नीचे ला सकते हैं. तो ये चीज अचीव करने के लिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चार किस्म के लोड होते हैं जो हमारे घर में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, या फिर उनका रोल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल के आने के लिए सबसे ज्यादा होता है. सबसे पहला है लाइट एंड फैन. अगर हम बात करें कि हमारे घर में जो लाइट लगी है और जो पंखे लगे तो उनका पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है लाइट की और फैन की, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है. तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इनके इस्तेमाल से बिल होता है वो बिल ऊपर जाता है. अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है एयर कंडीशनर. तो एयर कंडीशनर की क्वांटिटी जो होती है वो सबके घर में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एयर कंडीशनर का जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. उसके बाद हम देखते हैं आता है रेफ्रिजरेटर. दोस्तों, सबके घर में कम से कम एक रेफ्रिजरेटर तो होगा ही, राइट? और उस रेफ्रिजरेटर का पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे इसका पावर कंजप्शन कम किया जाए. और उसके बाद आता है हीटर. तो हीटर का भी पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है. तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों को इस्तेमाल करने की हमारी कुछ हैबिट, हमारी कुछ आदतें हम बदलेंगे तो इनको इस्तेमाल करने की हमारी आदत को बदलने से हम हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको नीचे ला सकते हैं. तो आइए एक के बाद दूसरा वन बाय वन हर एक चीज़ को देख के हम समझते हैं कि कैसे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम कम कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइटिंग एंड फैन किस्म के जो लोड होते हैं हमारे घर में, उसके साथ हमारी आदतों को कैसे बदलें, उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस इस्तेमाल में बदलाव लाएं ताकि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर सकें. सबसे पहले और कॉमन चीज़ है
टर्न ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। दोस्तों ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, जब घर में हम बिजली की इस्तेमाल, बिजली की खपत को कम करना चाहते हैं, तब अननेसेसरी लाइट या पंखे को चालू ना छोड़े। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब किसी रूम के अंदर लोग नहीं बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी उस रूम के अंदर पंखा है वो चलता रहता है। तो हमें ये चीज़ करनी है कि जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब उसका इस्तेमाल ना करें। तो लाइट और पंखे को जब ज़रूरत नहीं है तब उसको हम बंद कर दें। उसके बाद दूसरी टिप है हमारी, रिमूव डस्ट फ्रॉम ट्यूबलाइट, CFL एंड लैम्प। चाहे आप ट्यूबलाइट को इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप CFL लैम्प को इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप LED बल्ब को इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, तो डस्ट लगने से होगी क्या बात। इसके ऊपर डस्ट लगने से आपको जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वो इंटेंसिटी हो जाएगी कम। फिर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कम इंटेंसिटी की वजह से लोग ज़्यादा बड़ी पावर कैपेसिटी की चीज़ लगाते हैं, लेकिन आपको करना ये है कि यहाँ पर जो डस्ट लगी हुई है उसको वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार उस डस्ट को साफ़ करना है, उसको रिमूव कर देना है। तो हफ्ते में एक बार आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट अपने घर के अंदर दिखेगी, मिलेगी। तो आपको बड़ी कैपेसिटी का कोई भी इक्विपमेंट लगाना नहीं पड़ेगा। जिस भी कैपेसिटी का आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी कैपेसिटी के इक्विपमेंट में आपको सफिशियंट लाइट मिलेगी। तो ये हो गई दूसरी टिप, तो डस्ट को आप रेगुलरली रिमूव करते रहें। उसके बाद है यूज़ CFL एंड LED लैम्प्स। दोस्तों हमारे घर पे जो सिंपल ट्यूबलाइट रहती है और दूसरे जो इनकंडेसेंट लैम्प हम लगाते हैं, उन दोनों की जगह पर हमें लगानी है CFL और LED। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप अपने घर पे ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर इनकंडेसेंट लैम्प जो पीले कलर का बल्ब आता है, उस बल्ब को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ये ख़राब हो जाए और बिगड़ जाए तब नए ट्यूबलाइट या फिर नए बल्ब से उसको रिप्लेस नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना है हमें CFL या LED से। तो जब ये चीज़ ख़राब हो जाती है तब, जब हम बदलना चाहते हैं तब हमें LED और CFL लैंप से इसको बदलना है। क्योंकि क्यों ज़रूरी है ये चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझिए आपकी 15 वॉट का जो CFL लैंप होता है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक CFL लैंप है, ये 15 वॉट का CFL लैंप है, तो ये जितनी लाइट इंटेंसिटी हमको देता है उतनी ही लाइट इंटेंसिटी हम एक 60 वॉट का फ्लोरोसेंट लैंप यूज़ करें तब हमें मिलती है, सेम उतनी ही लाइट इंटेंसिटी। तो क्या हुआ कि जितना प्रकाश, जितनी लाइट इंटेंसिटी आपको इस 15 वॉट के CFL बल्ब में मिलती है, उतनी ही इंटेंसिटी आपको इस 60 वॉट के फ्लोरोसेंट लैंप में मिलती है। तो CFL यूज़ करना एक फ़ायदे का सौदा होता है। तो जब भी आपका ये पुराना पुराना इनकंडेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तब आप उसको CFL से या फिर LED से बदलें। ये आपको कहा जाएगा कि भाई अगर आप CFL की जगह LED यूज़ करते हो तो ये और भी फ़ायदे का सौदा होता है। उसके बाद देखते हैं अब हम बात करते हैं पंखे के अंदर, डू रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फैन। पंखे का रेगुलर मेंटेनेंस कीजिए। क्यों दोस्तों, हम पंखा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिन में हम कम से कम 12 घंटे के आसपास इस पंखे को चलाते रहते हैं।
जब भी हम पंखे को स्टार्ट करते हैं और उस पंखे में से कोई साउंड निकलता है, आवाज़ें आती है, तो वो आवाज़ें आती है उसके अंदर जो बैरिंग होता है, वो बैरिंग के कोई पार्ट्स वो घिसते रहते हैं। तो अगर ये कोई आवाज़ें आ रही है पंखे में से, तो उसको आप रेगुलरली मेंटेन कीजिए, उस पंखे को आप रिमूव कीजिए, उसको खोलिए, और उसका बैरिंग है उसको आप घर पे खुद से ही साफ़ कर सकते हैं, कहीं और जाके साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा घर पे ग्रीस रखिए, वो ग्रीस उसके अंदर लगा दीजिए और फिर से उस पंखे को बंद करके चालू कर दीजिए। दोस्तों ये चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए आपको किसी भी बड़ी पढ़ाई की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टडी की ज़रूरत नहीं होती है। बस कैसे खुलता है कैसे बंद होता है उसका कोई वीडियो आप YouTube पे देख लीजिए और उसी तरीके से आप इस पंखे की छोटी मोटी सर्विसिंग कर सकते हैं। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस पंखे का ज़रूरी है, वरना होगा ये कि जो पंखा 60 से लेके 70 वॉट तक का पावर कंज्यूम करता है, उस पंखे का रेगुलर मेंटेनेंस ना करने की वजह से रेगुलरली वो पंखा 80 वॉट के आसपास का पावर कंज्यूम करने लगता है। हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा रहा होता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में पंखे का रेगुलरली मेंटेनेंस कीजिए, उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कीजिए। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, मेक हैबिट ऑफ यूजिंग नेचुरल लाइट। दोस्तों आप किसी भी किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई के लिए आप किसी बल्ब का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बल्ब की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी एक हिदायत है कि जब भी पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। जो सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि भाई हम घर में बैठे बैठे, दोपहर का टाइम है, दिन का टाइम है, लेकिन फिर भी घर को बंद करके ये जो CFL लैंप्स होते हैं, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, उनको चालू करके हमारी पढ़ाई करते हैं। उस समय हम अपने घर के खिड़कियों को खोल के जो नेचुरल लाइट हमारे पास अवेलेबल है, उस नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करके हम पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि हमारे घर का बिजली का खपत कम हो सके। या तो फिर दूसरी चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं कि जो स्टडी टेबल आता है, उस स्टडी टेबल के ऊपर एक स्पेशल रीडिंग लैंप होता है, उस रीडिंग लैंप का इस्तेमाल करके जितनी लाइट हमको चाहिए उतनी ही लाइट हम बुक के लिए लेकर कम खपत वाला लैंप का उपयोग करके बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो ये जो है वो अल्टरनेटिव्स है, लेकिन ये जो अल्टरनेट है, ये जो ऑप्शन है, उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अपने घर की जो खिड़की है उसको खोल के नेचुरल लाइट को अंदर आने के देने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, तो आप ये रास्ता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे हैबिट्स थे जिसको आप इस्तेमाल करके अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं, स्पेशली लाइटिंग एंड फैन के लिए। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांच टिप्स हमने आपको दी है। इस पांच टिप्स का इस्तेमाल करके आप लाइटिंग एंड फैन के लिए अपने घर का बिजली का बिल जो होता है उस बिल को कम कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घर के जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं उसके साथ हम कैसे बिल को कम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है एयर कंडीशनर। दोस्तों ये एक ऐसा बड़ा इक्विपमेंट है जो धीरे धीरे हर किसी के घर में पाया जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो कंजप्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम आम आदमी के घर की बात करें तो नॉर्मल छोटे मोटे लाइट पंखे के लोड होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर का लोड होता है, और अगर 2 टन का एसी है तो दोनों के लोड एक समान हो जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई ये जो एयर कंडीशनर है, उस एयर कंडीशनर के अंदर हम कैसे बिजली को कम खपत में लाए, उसकी एनर्जी को हम सेव करें। ये है, हमको हैबिट करनी चाहिए यूज़ फैन इन प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ एसी।
अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जिस कंडीशन में हम घर के अंदर जो एसी लगा हुआ है उस एसी को इस्तेमाल ना करते हुए घर में जो पंखा लगा है उस पंखे को इस्तेमाल कर सके, तो हमें हमेशा पंखे को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक तो आपको बेनिफिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका बिल है वो पंखे से कम आता है, और दूसरा है कि हमारा जो बॉडी होता है वो नेचुरली किसी भी सिचुएशन को अडप्ट कर सकता है, लेकिन उसको उसको अडप्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करते हो तो फिर धीरे धीरे आपका बॉडी बिना एसी के रहने के काबिल नहीं बचेगा। तो घर के बाहर कोई ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर एसी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे ही लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये एक सजेशन है कि भाई, जब ऐसा पॉसिबल है कि एसी की जगह हम पंखा इस्तेमाल कर सके, तो हमें एसी की जगह पर पंखे को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप एसी लगा हुआ है उसको ना इस्तेमाल करते हुए भी पंखा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब पॉसिबल है, ऐसी कोई कंडीशन है कि एसी को आप अवॉइड करके पंखा चालू कर सकते हो, तो तब हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, फैन चार्जेस अराउंड 30 पैसा पर आवर, जबकि एसी है वो 8 रुपये प्रति घंटे के आसपास चार्ज करता है। एक पंखा है वो औसतन 30 पैसे, 1 घंटे के अंदर 30 पैसे जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाता है, जबकि एक एसी होता है वो तकरीबन 8 रुपये के आसपास प्रति घंटा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाता है। तो ये एक फैक्ट्स आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई कितना आपका पंखा या फिर एसी प्रोड्यूस सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रोड्यूस करता है। ये जो 8 रुपये है वो वेरी करते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो किस हिसाब से आपका रूम है, क्या वेंटिलेशन है, कौन सा एसी लगा है, ऐसी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन एक रफ कैलकुलेशन के लिए ये 8 रुपये पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, कीप टेम्परेचर ऑफ एसी एज हाई एज पॉसिबल। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी ये आदतें होती है कि वो एसी को 16 से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय आप एसी को अगर 25 से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर इस्तेमाल करें, तो आपका जो एनर्जी का बिल होता है, एसी का एनर्जी कंजप्शन होता है, उसमें 30% जितनी गिरावट आएगी। मतलब कि 30% जितना आप पावर कंज्यूम पावर को सेव कर सकते हैं, अगर आप 16 से 18 डिग्री की जगह पर आप एसी को 25 से 26 डिग्री के आसपास चलाएं। और मैं आपको ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि भाई, हम एसी इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम प्लेजेंट फील कर सकें। तो ये एक स्टडी में पाया गया है कि भाई, अगर आपका बॉडी 26 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर है, तो आपको प्लेजेंट फीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं होती कि हर वक्त हमें 16 से 18 डिग्री के ऊपर ही एसी को चलाना है। तो जब भी पॉसिबल है, आप 25 से 26 डिग्री के आसपास अपने एसी को सेट कीजिए, और अपने बिजली के बिल को 30% तक आप घटा सकते हैं। क्लीन एसी फिल्टर रेगुलरली। हमारा जो एयर कंडीशनर होता है, उस एयर कंडीशनर के अंदर यहाँ पर फिल्टर लगे हुए होते हैं, तो हमें उस फिल्टर को रेगुलरली क्लीन करना है। अगर उसको क्लीन नहीं करते, तो एयर का जो इनलेट होता है एसी के अंदर, वो एयर को अंदर लेने के लिए ज़्यादा पावर लगती है, और हमारा बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। तो आप अगर पॉसिबल है तो 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार तो कंपलसरी अपने घर का जो एसी है उसके जो फिल्टर्स है, उस एसी के फिल्टर को आप
क्लीन कर दीजिए, उससे होगा ये कि आपके एसी का जो एनर्जी कंजप्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये है एक और ऑप्शन, यूज फैन विथ एसी, एसी के साथ आप पंखे को इस्तेमाल करें। ये देखिए दोस्तों, स्टार इसीलिए लगा है कि कंडीशन सप्लाई, जब हम एसी को चालू करके 26-27 डिग्री के आसपास लगाकर सेट करके बैठे हुए हैं, तब अगर हम हल्का हल्का पंखा चालू कर देते हैं तो उस पंखे के घूमने की वजह से हमको वो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो फील होता है कि इससे भी कम है, ताकि हमको एसी को लोअर टेम्परेचर पे सेट ना करना पड़े, इसलिए हम पंखे को चालू कर सकते हैं। पंखा भी हम धीरे धीरे घुमाएं और एसी को भी 26-27 के आसपास चलाएं, तो हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रूम शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड। हमारा जो भी घर है, मान लीजिए कि ये हमारा एक रूम है, इस रूम में हमने यहाँ पर एसी लगा रखा है, यहाँ पर हमारा रूम के अंदर आने का दरवाज़ा है, यहाँ पर हमारे पास इस रूम में खिड़कियाँ हैं, विंडो, अब ये जो एसी है, इस एसी की वजह से इस पूरे रूम में एयर है वो सर्कुलेट होगी, लेकिन ये जो एयर है इस रूम में सर्कुलेट होने के साथ साथ जहाँ पे भी दरवाज़ा या फिर विंडो होता है वहाँ पर जो दरारें होती है, उस दरारों से ये ठंडी हवा बाहर चली जाती है, ताकि क्या होता है कि इस रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो उसको कम करने के लिए एसी को अपना कंप्रेसर फिर से चालू करना पड़ेगा और फिर से ये टेम्परेचर है वो नीचे आएगा, लेकिन जब ये दरारें हैं वो दरारें बड़ी है, आसानी से ये ठंडी हवा अगर बाहर जा रही है तो हमारा जो एसी है वो ज़्यादा लोड पे काम करेगा, उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। तो हमको ये करना है कि भाई आपको चेक करना है कि जितने भी खिड़की या दरवाजे हैं उसके आसपास जो जगह है उस जगह को आपको भर देना है। अब ये कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, ताकि वो दरारें हैं वो बंद हो जाए, ताकि आपकी हवा है वो बाहर ना निकल पाए, जो ठंडी हवा है वो बाहर ना निकल पाए। इसके लिए आप एक मटेरियल आता है, थर्मोकॉल जैसा मटेरियल होता है, उस मटेरियल को आप अपने जो भी दरारें हैं उसके आसपास चिपका सकते हैं, ताकि ठंडी हवा आसानी से बाहर ना जा पाए। तो ये भी आपको देखना है कि हमारा घर का जो रूम हो जहाँ पर हमने एसी लगा रखा है वो अच्छे से इंसुलेटेड होना चाहिए। ये करके भी हम हमारे घर का बिजली का बिल है उसकी खपत को कम कर सकते हैं, बिजली के बिल को नीचे ला सकते हैं। इफ परचेजिंग न्यू एसी बाय 5-star रेटेड एसी, जब अगर आप कोई नया एसी परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तब ये खास ध्यान रखें कि ऐसा एसी परचेज करें जो 5-star रेटेड हो। 5-star रेटेड एसी होने के वजह से उसका जो बनावट है वो कुछ ऐसी होती है कि उसका कंजप्शन कम होगा, तो ये आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको नीचे लाने के लिए मदद करेगा। प्लेस एसी कंप्रेसर एट प्रॉपर प्लेस, दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे घर में जो एसी लगा रखा है उस एसी का जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर को हमें अच्छी जगह पर सेट करना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका घर का फ्रंट व्यू है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक दरवाज़ा है, यहाँ पर एक खिड़की है और इस घर के अंदर के हिस्से में हमने एसी लगा रखा है, यहाँ पर हमने अंदर एसी लगा रखा है, ठीक है, ये हो गया हमारा एसी। और अगर इस एसी की जो पाइपिंग सिस्टम है वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर लगा रखी है, ये हो गया इसके बाहर का कंप्रेसर।
ठीक है। तो ये कंप्रेसर कुछ ऐसे हमें लगाना है ताकि इसके आसपास हमें खुली जगह मिले। अगर मान लीजिए कि अगर हमने एसी किसी ये जो कंप्रेसर है उसको किसी ऐसी जगह पर लगा रखा है जहाँ पर खुली जगह नहीं है, कोई बंद जगह है ऐसी, और ऐसी बंद जगहों में हमने देखा कि भाई यहाँ पर बीच में हम अपना कंप्रेसर है वो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर बीच में कंप्रेसर लगाने की वजह से एयर फ्लो है वो एयर फ्लो अच्छा नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए कि ये जगह इसके आसपास सारी जगह है वो खुली है, तो यहाँ पर अच्छा एयर फ्लो मिलेगा ताकि कंप्रेसर है वो अच्छे से काम कर सके और बाहर का टेम्परेचर भी काफ़ी नीचा रहे ताकि इसके ऊपर का बर्डन ना बढ़े। तो कंप्रेसर को आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर आसपास एयर का फ्लो प्रॉपरली मिल सके ताकि आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सके। तो दोस्तों ये थे फैक्टर्स जिसको आप ये थे टिप्स। इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर का एसी का जो कंजप्शन है उसको भी नीचा ला सकते हैं। देखिए ये टिप्स हमने देखे हुए हैं, ये जो सारी की सारी टिप्स हैं, इन सारी की सारी टिप्स को आप इस्तेमाल करके अपने घर में एसी का जो पावर कंजप्शन होता है उस पावर कंजप्शन को नीचा ला सकते हैं। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सारी चीज़ें लिख लीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रहे। आइए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे लोड की तरफ। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोड है और काफ़ी लोगों के दिमाग में गलत हैबिट है इस लोड को इस्तेमाल करने के बारे में, तो वो देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा बिजली का बिल का जो खपत है वो कम आए। सबसे पहले है कीप रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट। मान लीजिए कि आपके घर में जो चूल्हा है उस चूल्हे में से जो हीट निकलती है वो हीट है, तो वो उसके आसपास गर्म वातावरण क्रिएट करेगा। तो हमें जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट प्रोड्यूस करने वाले सोर्स से दूर रखना है। ये हो गया हमारा फ्रिज। तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसको हमें जो हीट प्रोड्यूस करने वाले सोर्स है उससे कहीं दूर रखना है। कोई ऐसी दूर जगह पर आप फाइंड कीजिए जहाँ ये जो गर्मी है इसको ज़्यादा ना लगे। ये चीज़ करने से ये जो रेफ्रिजरेटर है उसका बर्डन कम होगा, तो उसका पावर कंजप्शन कम होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्लेस रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम वॉल। मान लीजिए कि ये हमारे किचन का मैप है। इस किचन में यहाँ आपका ये प्लेटफॉर्म आ गया, ये एंट्री का डोर हो गया, यहाँ से किसी और रूम में जाने का डोर हो गया, और ये आपके पास एक ब्लॉक बचता है जो यहाँ तक आता है। तो आप समझते हैं कि भाई देखिए मैं यहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर सेट कर दूँ, तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि अगर दीवार से अगर ये बहुत ही नज़दीक है तो उसके कंप्रेसर को हीट को रिलीज़ करने के लिए अच्छे से जगह नहीं मिलेगी, और जगह ना मिलने की वजह से उसके कंप्रेसर का लोड बढ़ेगा और पावर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। उसके वजह आप अगर यहाँ पर उसको लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए ताकि यहाँ से यहाँ जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर का बर्डन है वो कम हो जाए। तो जो प्लेसिंग है रेफ्रिजरेटर को रखने के लिए वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कैसे हम उस इक्विपमेंट को प्लेस करते हैं ताकि उसका कंजप्शन है वो कम हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं चेक द सील ऑफ रेफ्रिजरेटर इफ लीकिंग रिप्लेस इट। जो रेफ्रिजरेटर है मान लीजिए कि ये आपका रेफ्रिजरेटर का साइड व्यू हो गया, यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर के ये दरवाजे हो गए जो इस तरह से खुलेंगे, तो इन दरवाजों में और इनके बीच जो ये रबर होता है, रबर सीलिंग होता है, ये रबर सीलिंग को आपको चेक करना है। इसको चेक करने के दोस्तों मैं आपको दो तीन तरीके दिखाता हूँ।
एक तरीका है कि आप जब रेफ्रिजरेटर चालू है तब धीरे धीरे अपने हाथ को यहाँ से यहाँ घुमाते हुए महसूस कीजिए कि कहीं से आपको ठंडी हवा लीक हो रही है, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, आप अपना जो मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन के अंदर फ्लैशलाइट को चालू करके अपना मोबाइल फोन है इसके अंदर रख दीजिए ताकि ये पूरा लाइट से भर जाए, और रात के टाइम में मोबाइल को अंदर रख के इस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को बंद करके चेक कीजिए कि कहीं से आपको लग रहा है कि भाई लाइट बाहर आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ लाइट बाहर आ रही है तो वहाँ से वो ठंडी हवा भी बाहर आ सकती है। तो अब उस कंडीशन में आप करिए ये चीज़ कि अपने घर का जो रेफ्रिजरेटर का ये रबर है उस रबर को रिप्लेस कर दीजिए। उस रबर को रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। दोस्तों ये रिप्लेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम अगली टिप। डोंट कीप रेफ्रिजरेटर एम्प्टी, इंस्टेड फिल इट फुल। रेफ्रिजरेटर को खाली ना छोड़े। मान लीजिए ये आपका रेफ्रिजरेटर है, कुछ कितनी भी कैपेसिटी का है, तो इस रेफ्रिजरेटर को एम्प्टी छोड़ के ना चलाए, कुछ ना कुछ इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान भर दे। ये दोस्तों आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि रेफ्रिजरेटर अगर खाली है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। उसके जगह आप उसको फुल कर दे, उसको इस तरह से फुल करें कि हर जगह से एयर फ्लो है वो ढंग से मिले, तो उसका जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ता नहीं लेकिन अप्रोप्रिएट पावर कंजप्शन आपको मिलेगा। तो खाली ना छोड़े रेफ्रिजरेटर को, उसको फिल करके उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद डिफ्रोस्ट फ्रीजर सेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। अगर आपके पास ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसमें आपको मैन्युअली डिफ्रोस्ट करना है तो उसको रेगुलर इंटरवल के ऊपर डिफ्रोस्ट कीजिए। अगर आप डिफ्रोस्ट नहीं करते, जो बर्फ़ की थर बन जाती है उस थर की वजह से अंदर की चीज़ें अच्छे से ठंडी नहीं हो पाती, तो रेगुलर इंटरवल के ऊपर उसको डिफ्रोस्ट किया कीजिए। उसके बाद डोंट कीप डोर ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि भाई लोग रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खोल के फिर रेफ्रिजरेटर को देख के सोचते हैं कि अरे मुझे क्या चाहिए था, या तो फिर बहुत बार भूल जाते हैं, दरवाज़ा खोलते देखते सोचते रहते हैं और फिर कोई चीज़ें निकालते हैं। तो ये है आपकी हैबिट। दोस्तों अपनी हैबिट में कुछ ये चेंज कीजिए। पहले सोच लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में से आपको कौन सी चीज़ चाहिए, वो चीज़ के बारे में सोच के फिर ही उसका जो दरवाज़ा है उस दरवाज़े को खोलिए। ऐसा करने से जो ठंडी हवा है वो बाहर कम जाएगी और रेफ्रिजरेटर का बर्डन कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल का खपत है वो कम आएगा। दूसरी टिप है, ओपन डोर एज मच लेस एज पॉसिबल। दोस्तों रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है उसको कम से कम ओपन करें। मान लीजिए आपको पानी की बोतल चाहिए और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के वो बोतल आप अगर बाहर निकाल सकते हैं तो उस दरवाज़े को पूरा ना खोलें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पूरा दरवाज़ा खोलते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं, पानी पीते हैं, फिर बोतल रख के दरवाज़ा बंद करते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत हैबिट है। आप जितनी ज़रूरत है, अगर बोतल छोटी है तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलिए, पानी की बोतल ले लीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, फिर पानी को पी के बोतल को वापस रख दीजिए। तो ये अपनी हैबिट में हमें चेंज करना है। इस हैबिट को चेंज करने से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है डोंट ओपन डोर टू ऑफन। बार बार दरवाज़ा ना खोले। जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन को बार बार चेक करते रहते हैं कि कोई मैसेज आया कि नहीं, बहुत से लोग गलती से फ्रिज को खोल के बार बार देख रहते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, या दरवाज़ा खोलने की उनकी ज़्यादा हैबिट होती है। तो बार बार दरवाज़ा ना खोले, जितनी बार ज़रूरी है उतनी बार खोलना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन अननेसेसरी दरवाज़ा खोल के उसको चेक
ना किया कीजिए। ये चीज़ करने से भी आपका जो एनर्जी का कंजप्शन है वो कम होगा। तो आखिरी तीन जो टिप हमने देखी वो ऐसी है कि जो हमारी आदतें हैं उसको बदल के हम एनर्जी का कंजप्शन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है टिप जिसका इस्तेमाल करने से हम रेफ्रिजरेटर के अंदर बिल का कंजप्शन कम कर सकते हैं। ये एक, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा और ये आठवा। इस आठवें में से ये जो सारी टिप्स है उस टिप्स के अंदर आपको अपनी हैबिट में चेंज लाना है ताकि आप अपनी एनर्जी का कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजप्शन कम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एक चीज़ आपको समझनी है, इंस्टेड हीटिंग लेस वाटर टू हाई टेम्परेचर हीट मोर वाटर टू लेस टेम्परेचर। मान लीजिए आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, आप उस थोड़े से पानी को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करके फिर उसमें आप ठंडा पानी मिला के जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी उस टेम्परेचर पे आप लेते हैं। उसकी जगह पर आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा पानी गर्म करना है लेकिन कम टेम्परेचर पे। इससे जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है इस इलेक्ट्रिक हीटर का कंजप्शन है वो कम होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है हीटर को यूज़ करने के लिए। दोस्तों तो ये थी हमारी सारी टिप्स फॉर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन सब टिप का इस्तेमाल करके आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उस बिल को आप कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। या तो फिर अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी टिप है उस टिप का इस्तेमाल करके कोई भी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सकता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस जो भी वीडियो में टिप्स आपको बताई गई है उसको आप धीरे धीरे अपने घर में इम्प्लीमेंट कीजिए और आप भी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सकते हैं। धन्यवाद।